को देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक घूम पाते हैं हम लोग। और हम लोग डर डर के जा रहे हैं कि हमें ट्रैफिक ना मिले। देखो 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 खुशी देखो खुशी नैनीताल जाने की। गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से, और यहाँ पे मम्मी दिख रही है सबसे आगे देखो, और ये पापा, और हम लोग जा रहे हैं घूमने, और ये दोनों यहीं पर हाय बोलो हाय, अच्छे से मिलेंगे बाद में। हम लोग जा रहे हैं घूमने, बाकी हम लोग बाय बाय, अभी तो आगे बैठ जाओ। हे गाइस, बड़ों को नमस्ते, पहला छोटू को बहुत सारा प्यार, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे मायके से, हल्द्वानी से। हम लोग अभी गाड़ी में हैं, तो हम लोग जा रहे कहीं घूमने। आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा, तो हम बच्चा पार्टी जा रहे हैं, केवल बच्चे, हम भी बच्चे में गिने जाते हैं, और दो बच्चे पीछे बैठे हुए देखो, सही बात है, हमारे बच्चे हैं। वैसे हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग नैनीताल जाएंगे, लेकिन 12 बज चुका है, और पता नहीं आज वीकेंड भी है, मतलब सैटरडे है, भीड़ मिलेगी या जाम मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल मैं सूट लेकर आई हूँ, सूट देने हैं मुझे, क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगा देने का। गाइस हुआ यूं कि बैग भूल गए हम घर पे, वैसा अक्सर हमारे साथ ऐसा होता रहता है, पोपट। अब मैं यहाँ पे तब तक सूट देती हूँ अपने, और ये लेकर आएंगे बैग घर से। पापा का फोन भी आ गया। तो गाइस मैंने सूट भी दे दिए हैं अपने सिलने को, ये लोग बैग लेकर आ गए घर से तब तक, तो अब चल रहे हैं हम आगे को, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक घूम पाते हैं हम लोग। हम लोग काठगोदाम पहुंच चुके हैं, और हम ना डर डर के जा रहे हैं कि हमें ट्रैफिक ना मिले अभी, लेकिन हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी देखो अभी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। हम लोग अभी काठगोदाम में ही हैं, और थोड़ा सा ट्रैफिक मिलने लग गया है यहाँ से। दीवू ऐसे देख रही है बीच में से कि दीवू हम कहाँ जा रहे बेटा, जू। गाइस देखो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक भीमताल के लिए एक नैनीताल के लिए। हम जा रहे हैं नैनीताल। ओके हम ऊपर को निकले यहाँ से, देखो 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 खुशी देखो खुशी नैनीताल जाने की। नैनीताल क्यों क्यों, तुम्हें मजा नहीं आया था यहाँ तक? यादव यार ये अभी तो शुरुआत है, ऐसे जाम लगा रहा, मैं क्या करूँगा। अपने आगे बागेश्वर वाले, बागेश्वर अल्मोड़ा रानीखेत वाले सारे, वहाँ पहुँचा, तुम भी चलोगे गाँव? 30 किलोमीटर यहाँ से अब रास्ता है नैनीताल का, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है हमें कि क्या पता हम लोग पहुँच जाए नैनीताल। हमें रास्ता एकदम साफ मिल रहा है, और मजा भी आ रहा है, और पीछे देखो वहाँ दीवी जी सो चुकी है अभी दद्दा की गोदी में। देखो 15 किलोमीटर नैनीताल बचा हुआ है, ये देखिए हम चढ़ाई चढ़ने लग गए हैं अब। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ से नैनीताल, 8 किलोमीटर है, रूसी बाईपास है ये, और जहाँ से अभी ने बोला है कि उनकी यहाँ पे गाड़ी रोकी गई थी और पार्क की गई थी तब। अब देखो आज हमारे साथ क्या होता है, हमें जाने दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। हमने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया, अभी का कहा हुआ सच हुआ, तो यहाँ पे रोक दिया गया है सभी गाड़ियों को। 8 किलोमीटर पीछे है नैनीताल से, और यहाँ से आगे को शटल से जाते हैं नैनीताल की तरफ। अब देखो क्या होने वाला है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अब वेट कर रहे हैं, फाइनली ये शटल है जिसमें शेयरिंग पे जाएंगे हम लोग नैनीताल तक। शेयरिंग पे जाने पे पर पर्सन 60 रुपीज, फुल शटल 600 पे। दो बज चुका है, मतलब जिनकी होटल की बुकिंग है उनको जाने दे रहे हैं, और जिनकी नहीं है खाली घूमने के पर्पज से यहाँ पे रोक दिया जा रहा है उनको। मजा आ रहा दीवू का, आज नया एक्सपीरियंस है वो।
अब हम शटल में बैठ गए हैं शेयरिंग पे, और मैं दीवू के लिए खाना यहीं पे लेकर आई थी। मैंने कहा चलो तब तक खिला देते हैं नैनीताल पहुंचने तक। तो गाइस शटल ने हमें पहुंचा दिया 20 मिनट में नैनीताल, और 2:30 बज गया था। और उसी दिन हमें वापस हल्द्वानी भी जाना था टाइम से, तो हमारे पास कम टाइम था और कम टाइम में हमें ज्यादा जगह एक्सप्लोर करना था। तो हमने प्लानिंग की कि सबसे पहले हम जहां बाइक रेंट पे मिलती है वहां पर पहुंचे, और हमने उनको कहा जल्दी से हमें जू पहुंचा दो क्योंकि जू जाना जरूरी था, दीवी को मन था। तो 3 बाइक ली और फटाफट से उन्होंने हमें आधे रास्ते तक पहुंचा दिया। 50 रुपये पर पर्सन था, बिल्कुल बढ़िया रहा। थोड़ा सा वहां से 5-10 मिनट पैदल था बस। तो चले गए हम जू के लिए और दीवी को बहुत मजा उसमें आ रहा था। तो गाइस फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच गए, और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा, मतलब बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। और हम सीधे आ गए पहले जू, तो दीवू को दिखाना है क्योंकि हमने दीवी हैप्पी जा रहे हम। तो हम लोग बाइकों में आए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, 2:30 बज गया था और 4 बजे तक ही एंट्री होती है जू में। आपको दिखाते हैं हम खूबसूरत नैनीताल। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ये देखो ये भी जा रहा चढ़ाई करते करते। पहुंच भी गए जू, नैनीताल जू। टिकट काउंटर, नेचर शॉप। टिकट ले चुके हैं हम लोग, और 100 रुपीस पर पर्सन टिकट है। और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? अच्छा बैग। तो एंट्री हो चुकी है हमारी इस गेट से, और वाव फ्लावर्स। और बैग वैग चेक भी हो गया क्योंकि खाने का कोई भी सामान अंदर नहीं लेके जाना है, और प्लास्टिक की बोतल अगर ले जानी है तो 100 रुपये सिक्योरिटी जमा करना है। तो वही सचिन करने गए हैं क्योंकि पानी हमें चाहिए दीवी के लिए भी। फीजेंट है, फीजेंट, गोल्डन फीजेंट। ये दीप्ति जी कैसे लग रहा है? बढ़िया, हमें लगा ही नहीं कि हम पैदल चल के आए। पूरे मजे में आ रहे हो। 5 मिनट पैदल चल के आए हम लोग, और यहाँ पे ये देखो दीवू और अभी अभी को लाने का फायदा अपना फ्री है ना। अच्छा क्या हम जा रहे हैं बंगाल टाइगर देखने, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें टाइगर दिखेगा, वरना दीवी को तो दिखाई देंगे हमारे टाइगर। इतना ही दिख रहा, बैठा हुआ, छुपा बैठा हुआ है। दीवी दिखा आपको, ये आया, ये देख, ये ये देखिए, देखो दीपू को मिलके प्ले करने का। वो देखो मम्मा भी, मम्मा को भी अपने बचपन याद आ गया। वो बच्ची पहले भाग गई। टाइगर दिखाओ, टाइगर टाइगर टाइगर। प्लांट पे हाथ मत लगाना खुद। दीपू टाइगर बुला रहा है, बुलाओ दीपू। नीचे नहीं आ रहा है आज, अभी बता रहा है कि ये यहीं पर घूमता था पहले, आज नहीं आ रहा। वो मुंह भी खोल रहा, वो तुम्हें देख के मुंह खोल रहा। तुमको देख के नहीं खोल रहा ना, अच्छी चीजें देख के खोलता है कि हाँ भाई खाने में स्वादिष्ट होगा। दीवू आ चुकी है, अब क्या देखने आई हो दीवू? भालू देखो, भालू भी देख लो भाई। ये है देखो, सो रखा है, उठ नहीं रहा, ये हिल रहा है। दीवी ने क्या क्या देखा बताओ? हाँ मंकी कहाँ है? मंकी और बैर,
टाइगर देखा था। हाँ। एक देखे था। एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर दीपो के मजे आ रहे और लेकिन हमारा अभी बोर हो चुका है क्योंकि ये दो हफ्ते पहले आया था। गाइड अच्छा बना हुआ है, गाइड बना हुआ है। हाँ। इसलिए कहते हैं नैनीताल कभी भी आओ तो वीकेंड में कभी ना आओ अपनी गाड़ी लेके। हाँ। और ये जो पार्किंग वाला है ना वो भी वीकेंड में ही कर रखा है, इसलिए वीक डेज में आए क्योंकि इतना 8 किलोमीटर पहले तो पार्किंग दे रहे हैं बताओ, उसके बाद आपको शकलना आना है, अपनी गाड़ी लेके भी फायदा नहीं है मतलब यहाँ पे आके, गाड़ी उसी के आने देंगे वीकेंड पे जिसकी होटल बुकिंग होगी वो भी पार्किंग वाला होटल होगा। हम दोनों गप्पे मारते हुए आ रहे क्या यहाँ पे क्या है ये देखो गाइस, ये घुरल है, घुरल हिमालयन घुरल देख लो। हेलो घुरल, हेलो घुरल, ऐसे कह रहे कैसे इनके दोस्त होगा। आ गया आ गया, हेलो घुरल, हेलो घुरल, बकरी प्रजाति से थोड़ी अलग होती है। तो अब घुरल हमने देख लिया है, अब हम जाएंगे लेपर्ड देखने, देखो हमें क्या क्या दिखता है। चल चलिए दीबू, तो गाइस यहाँ पे हमें दिखा, देखो हमारी पहाड़ी कल्चर देखो, पिछोड़े पहनी हुई, नथर पहनी हुई, ग्लोबन पहनी हुई, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं जो घाघरा भी पहनी हुई है, ये टायर है हमारे यहाँ पे कुमाऊं का। और वो देखो वहाँ पे एप्पल बना रखे बड़े सुंदर सुंदर से, देख रहे हैं आप, तो ये तो आपको दिखाना बनता है। चलो अब हम लेपर्ड दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं लेपर्ड दिखाएंगे। बढ़िया मौसम का हवा चल रही एकदम मस्त मस्त। ये देखिए ये है पूरा नैनीताल और नीचे ये लेक व्यू लग रहा ना, ये व्यू है, वो ताल भी दिख रहा है वहाँ से, यहाँ से देखो ताल भी दिख रहा है ताल, और पूरा व्यू बहुत ही अच्छा। और ना मौसम ऐसा हो रहा है कि हवा भी चल रही साथ साथ में, धूप भी है, छांव भी है, सब है, तो हम कहीं भी जा रहे हैं ना हमें मौसम एकदम बढ़िया मिल रहा है। जहाँ ये देखो, देखो इनकी हालत, नहीं हालत हमारी अच्छी है पर हम लेपर्ड देखने आए थे जो कि दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे लेपर्ड का सेक्शन है देखो, यहीं पर आप फोटो में लेपर्ड देख सकते हो, अंदर नहीं दिख रहा है। अरे अरे बेटा नीचे आ जा, वाइट वाइट से नहीं कह रहे थे। कैसा लगा आपको आके? बहुत बढ़िया, ठीक है, जो किसने नहीं देखा उसके लिए बढ़िया है, बच्चों के लिए बढ़िया, दीपू खुश है तो हम खुश है बस। दीपू मजा आया? तो गाइस यहाँ से आपको ब्यूटीफुल सा ये व्यू दिख रहा होगा पूरा नैनीताल का, और साथ में ताल भी दिख रहा होगा। ताल से ताल मिला, वाह वाह, सिंगर भी आए हमारे साथ। तो गाइस यहाँ से हम कहाँ कहाँ गए और हमने क्या क्या देखा और नैनीताल में कितना हमने एंजॉय किया, ये आपको देखना होगा नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ये व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होगे हमारे साथ हमारी मस्ती और नैनीताल को भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।